एक्सीडेंट की वजह से जूलियट की टांग टूट गई है। वो इस वान में फंसी हुई है। वो अल्कोहल अपने घाव पर यूज करती है और अपनी हड्डी को सीधी कर देती है। वो रेडियो की मदद से अपने साथियों को कॉन्टैक्ट करती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर ये अजीब सा क्रीचर उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो खुद को बचाने के लिए रेडियो को दूर फेंक देती है। रात के टाइम वहाँ से कुछ इंसान गुजर रहे थे। जूलियट उन्हें मदद के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन ये लोग लुटेरे होते हैं। वो जूलियट को मार के उसका सामान चुराना चाहते हैं, लेकिन ये क्रीचर उस इंसान को मार के खा जाता है। सुबह हो चुकी है। जूलियट इस क्रीचर के हाथों नहीं मरना चाहती है। वो वहाँ मौजूद पेट्रोल की मदद से सब कुछ तबाह कर देना चाहती है, लेकिन ये क्रीचर उसे वहाँ से धकेल देता है और जूलियट की गोली से घायल हो जाता है। जूलियट भी घायल है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि ये क्रीचर उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो उसे छूने लगता है। वो उसे ऐसे टच करता है जैसे जूलियट का पति किया करता था। हमें पता लगता है कि वो क्रीचर जूलियट का पति है और जानलेवा वायरस की वजह से बाकी लोगों की तरह इस क्रीचर में बदल गया है। वो मॉन्स्टर बनने के बाद भी जूलियट को प्रोटेक्ट कर रहा था। जूलियट उसे गले लगाती है। वो खुद को और अपने पति को गोली मार देती है।